हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। कल की वीडियो में मैंने लाइट सेक्शन के बारे में बताया था, तो उसमें आपको बूस्ट कॉइल को मैंने चेक करवाया नहीं था, मतलब कि मैंने चेक कर लिया था, आपको मल्टीमीटर में नहीं दिखाया था। तो मेरे को काफ़ी भाइयों की कमेंट आ रही थी कि बूस्ट कॉइल को चेक करने के लिए आप बताइए डायोड को किस तरीके से चेक करें और कैपेसिटर को किस तरीके से चेक करें प्रॉपर तरीके से। तो आपको वही चीज़ देखना है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो मैंने ऑलरेडी ये सब वीडियो बना दिया था, लेकिन आज आप सबसे अलग तरीके से मैं समझाऊंगा, ताकि आपको भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी बूस्ट कॉइल को किस तरीके से सबसे पहले चेक करना है, वही आपको मैं सही से समझाऊंगा। तो आपको यहाँ पे मल्टीमीटर को बीप की मोड में रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो हमारी कंटिन्यू पहला स्टेज है दोस्तों, हमारी कंटिन्यू बीप आनी चाहिए। तो आपने चेक कर लिया कि हमारी बीप प्रॉपर तरीके से आ रही है, तो आपको दूसरा स्टेज क्या करना है कि आपको मल्टीमीटर को 200 ओम पे आपको सेट करना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हम मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट करेंगे, फिर हम आपको उसकी रीडिंग चेक करवाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी रीडिंग कितनी आ रही है, मैं थोड़ा प्रूफ सही से रखूँगा ताकि आपको भी सही से दिखे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, हम इसको फिर से दोनों प्रूफ को हम यहाँ पे इसके साथ टच करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 1 पॉइंट कितनी आ रही है रीडिंग हमारी, 0.9 रीडिंग आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो 0.8 या 0.7 आ रही है। तो आपकी रीडिंग 2.5 आपकी रीडिंग कंप्लीट आनी चाहिए। उससे ज़्यादा आ रही है कि 2.10 हो गई, 2.9 हो गई, तो आपकी बूस्ट कॉइल में प्रॉब्लम है। तो आपको दो तरीके से चेक करना है। तो आप समझ चुके होंगे बूस्ट कॉइल के बारे में, तो लास्ट में आपको बूस्ट कॉइल शॉर्ट के बारे में भी समझाऊंगा। तो अभी डायोड की बात है, तो डायोड को आपको बीप के मोड में रखना है मल्टीमीटर को, और दोनों प्रूफ को आपको इसके ऊपर रखना है। तो आपको यहाँ पे देखिए हमारी कितनी रीडिंग आ रही है, 590 के आसपास हमारी रीडिंग आ रही है। तो आपकी 100 से कम वैल्यू आई तो भी आपका डायोड ख़राब है, और 900 से ज़्यादा वैल्यू आई तो भी आपका डायोड ख़राब है। तो उसको डायोड किस तरीके से चेक करें वो आप समझ चुके होंगे। तो डायोड भी आपको मैं लास्ट में दिखा दूंगा कि ख़राब डायोड को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, शॉर्ट डायोड को किस तरीके से चेक करें वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा लास्ट में। तो अभी बात करते हैं कि रजिस्टर को, कैपेसिटर को सिंपल तरीके से कैसे चेक करें। तो हम यहाँ पे एक प्रूफ हम ग्राउंड रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक साइड हमारी दोस्तों बीप आएगी, और दूसरी साइड हम चेक करेंगे तो हमारे यहाँ पर रीडिंग देखने को मिलेंगी। तो हमारा एक कैपेसिटर दोस्तों ओके कंडीशन है। तो हमारी बीप क्यों आ रही है, क्योंकि हमने एक प्रूफ को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है इसकी वजह से। तो अभी हम यहाँ पे आप चेक करवाता हूँ कि हमारी दोनों प्रूफ हमारे कैपेसिटर के ऊपर रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी रीडिंग आके चली गई है, एक रीडिंग आ गई है। फिर हम प्रूफ को चेंज करते हैं तो हमारी रीडिंग कितनी आ रही है, 350 के आसपास आ रही है। तो आपको इस तरीके से कैपेसिटर को चेक करना है। तो आप कैपेसिटर के बारे में भी समझ चुके होंगे, बूस्ट कॉइल के बारे में भी समझ चुके हैं, डायोड के बारे में भी समझ चुके हैं। तो अभी बात करते हैं कि डायोड हमारा शॉर्ट है या फिर हमारा डायोड ओपन है, उसको किस तरीके से चेक करें, तो वो भी इस वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा, ताकि आपको भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए और आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन आए तो आपको ट्रेसिंग में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें चेक करना है कि हमारा कोई भी कंपोनेंट्स है वो उसमें एक प्रॉब्लम है, वो किस तरीके से चेक करें वो तो आपको मैंने बता दिया। तो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि उसको किस तरीके से हमने चेक किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक प्रूफ हमने ग्राउंड रखा था, और एक हम यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर रखेंगे, तो एक साइड हमारी बीप आ रही थी और दूसरी साइड हमारी रीडिंग आ रही है। तो आपको इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, और दोनों प्रूफ कैपेसिटर के ऊपर रख के भी आप चेक कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि हमारा डायोड ख़राब है तो उसको किस तरीके से पता लगाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी डायोड में हमारी यहाँ पे बीप आ रही है, हमने कंटिन्यूटी पे रखा है, दोनों साइड दोस्तों हमारी बीप आ रही है तो भी हमारा डायोड ख़राब है, और एक साइड हमारी रीडिंग प्रॉपर तरीके से आती है और दूसरी साइड हम प्रूफ को चेंज करते हैं तो हमारी भी दूसरी साइड हमारी बीप आ रही है तो भी आपका डायोड ख़राब है। तो आपको इस तरीके से डायोड को भी चेक करना है, आपकी बीप नहीं आनी चाहिए डायोड पर, वो बात आपको याद रखनी है। एक साइड आपकी रीडिंग प्रॉपरली आ रही है और दूसरी साइड बीप आ रही है तो भी आपका डायोड ख़राब है। तो अभी बात करते हैं कि हमारी बूस्ट कॉइल ख़राब है, उसको किस तरीके से चेक करें। तो हमने यहाँ पे दोनों प्रूफ को इसके ऊपर रखा है, तो हमारी बीप आके चली जाती है, मतलब कि एक बार बीप बजती है एक सेकंड तक, फिर बीप नहीं बजती है तो भी आपका बूस्ट कॉइल ख़राब है। और हमारी रीडिंग यहाँ पे हमने 200 ओम पे रखा है, तो हमारी रीडिंग यहाँ पे 2.5 मिनिमम आनी चाहिए, तो वहाँ पे 3.6 3.5 इस तरीके से 2.5 से ज़्यादा आ रही है
तो भी आपकी बूस्ट कॉइल ख़राब है। तो आपको मैंने सही तरीके से समझा दिया है कि बूस्ट कॉइल, डायोड और कैपेसिटर को किस तरीके से चेक करें। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।